कोरोना काल में प्रभावित हुए उद्योगों को यूपी की योगी सरकार की ओर से बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। सरकार आने वाले 3 सालों के लिए उद्योगों को कुछ श्रम कानूनों में छूट देगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह फैसला किया गया है, मगर इस दौरान पहले से ही कई परेशानियों को झेल रहे मजदूरों के सर पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है और फिलहाल इन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद है, जिससे उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इन उद्योगों को मदद देने के मकसद से यूपी की योगी सरकार की ओर से उन्हें अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानून से छूट का प्रावधान है। इस हिसाब से महिला और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून के अलावा उद्योगों को सभी कानून में 3 वर्ष तक छूट मिलने वाली है, मगर उद्योग और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार जहां उद्यमियों को राहत देना चाहती है, तो वहीं पहले से ही लॉकडाउन में पाई पाई से मोहताज मजदूरों के सामने अब रोटी का संकट भी आखड़ा हुआ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी ने दिहाड़ी मजदूरों को जहां लॉकडाउन पूरी तरह न खुलने तक काम पर न आने की चेतावनी दी है, तो वहीं कंपनी प्रबंधन पर आरोप है कि उसने मजदूरों को बीते महीने का मानदेय देने से भी साफ इनकार कर दिया है। ना मानी ले सर, और मैं कोठारी कंपनी में काम करता हूँ सर। मैं पिछले कुछ 10 साल से यहाँ पर काम करता हूँ और अब लॉकडाउन की वजह से हमें यहाँ वेतन नहीं दिया जा रहा है, नहीं हमको ड्यूटी पर रखा जा रहा है। कुछ वर्कों को यहाँ पर ड्यूटी पर रखा जा रहा है और हमसे यहाँ पर मना कर दिया गया। हमको खाने में पीने में सब चीज़ में दिक्कत हो रही है, अपने घर से क्या खाएं क्या पिएं बहुत परेशानी हो रही है और ये लोग हमको ड्यूटी पे नहीं ले पा रहे हैं। कंपनी के प्रबंधन का ये कहना है कि जब कंपनी चल जाएगी तो हम आपको ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 100% यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और हमको मना कर दिया जाए, क्योंकि हम दूर के यहाँ पर रहने वाले हैं। कंपनी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर यहाँ काम करते हैं, जो इसकी नज़दीकी काम करते हैं उनको बुला लिया जा रहा है। पठारी, हम इस समस्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि साहब हमारी अप्रैल का वेतन नहीं दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों को अंदर से उस पर ड्यूटी पे लिया जा रहा है। प्रबंधक का कहना है कि आपको जब लॉकडाउन के बाद सभी लोग यहाँ आएंगे अधिकारी, तब उनसे बातचीत होगी, तब तुम्हारी समस्याओं को देखा जाएगा। इस समय बहुत बहुत सारी परेशानियों का खाना पीना सब बंद है, साहब बताइए हम क्या करें। मानदेय की मांग को लेकर कंपनी पर जमा हुए दर्जनों मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के नाम किया है, मगर उसके बाद भी संकट की घड़ी में कंपनी प्रबंधन उनकी ओर से पूरी तरह मुंह फेरे हुए है। कंपनी प्रबंधन दावा करता है कि लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, मगर सवाल यह उठता है कि जो मजदूर पिछले 1 दशक से कंपनी के लिए पसीना बहा रहे थे, इस संकट की घड़ी में आखिर वो किसका दरवाजा खटखटाए। सवाल यह भी उठता है कि मजदूरों की जीतोड़ मेहनत से मुनाफा कमाने वाली कंपनी अब इनका ख्याल क्यों नहीं रख रही। रणवीर सिंह, कोठारी में 13-14 साल हो। लॉकडाउन में सैलरी नहीं मिली, अप्रैल की नहीं मिली, पिछले महीने। हाँ जी, यूनाना उनसे बात करिए, वे कह रहे हैं कि बात करके बताएंगे। मैं नाम कोठारी कंपनी में काम करता हूँ, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, 15 साल हो गए। ये सैलरी नहीं दे रहे, हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं, इस महीने की सैलरी दे रहे, ना जोड़ना ड्यूटी ले रहे, नहीं ड्यूटी ले रहे। कंपनी साहब कह रहे हैं तुम्हारा अंदर लिया नहीं जाएगा, परेशानी है, बीवी है बच्चे, हम कहाँ जाएंगे ड्यूटी ले लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ से क्या चोरी करेंगे। उनका क्या कहना, हमें ड्यूटी लें, ड्यूटी लें, ड्यूटी करेंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से तरह तरह के कदम उठाए जाना बिल्कुल वाजिब है, मगर इस दौरान सरकार को उन मजदूरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, दिन रात पसीना बहाने वाले जिन मजदूरों के लिए कंपनियों के बड़े दरवाजे कभी भी अचानक बंद हो जाते हैं।
एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।